क्या आप इसे पहचानते हैं? पृथ्वी को हम अपना घर कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी असल में किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी की सतह उसके केंद्र से लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस केंद्र और सतह के बीच में आखिर है क्या? पृथ्वी अलग अलग परतों यानी लेयर्स में बटी हुई है, जैसे कि ये केक। हर लेयर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं और ये अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब भारी मटेरियल्स उसके केंद्र में इकट्ठे हो गए और हल्के मटेरियल्स सतह पर आ गए। इसे समझने के लिए चलिए पृथ्वी के अंदर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेट्स गो। हमारी यात्रा पृथ्वी के उस भाग से शुरू करते हैं जहाँ हम रहते हैं। ये है आउटर लेयर, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट सॉलिड होती है, नहीं तो हम पृथ्वी के अंदर धंस जाते। ये चट्टान और कुछ लूज मटेरियल से बनी है। अन्य परतों की तुलना में ये परत बहुत पतली है। क्रस्ट महासागरों से लगभग 5 मील और महाद्वीपों से लगभग 25 मील नीचे तक फैली है। क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में बाहरी भागों से लगभग 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्यादा होता है। चलिए खुदाई शुरू करते हैं। अरे, ये कौन सी जगह है? यह है पृथ्वी की सबसे बड़ी लेयर, मेंटल। मेंटल 1800 मील गहरी है। लेकिन इससे पहले कि हम मेंटल के बारे में बात करें, हम इसके दो विशेष हिस्सों के बारे में जानेंगे जो क्रस्ट के साथ मिलकर यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को लिथोस्फेयर कहते हैं, जो काफी रिजिड होती है और क्रस्ट और आउटर मेंटल से मिलकर बनी है। ये लगभग 60 मील गहरी होती है। हम क्रस्ट को पृथ्वी के शेल के रूप में देख सकते हैं। असल में हम पृथ्वी को एक उबले हुए अंडे से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें लिथोस्फेयर उसका शेल होगा। अंडे के शेल को उसके रेडियस से डिवाइड करने पर ये उसका लगभग 2% आता है। दूसरी तरफ लिथोस्फीयर की थिकनेस अपॉन पृथ्वी की रेडियस भी लगभग 2% आती है। तो जैसे शेल एग के लिए है, वैसे ही लिथोस्फीयर पृथ्वी के लिए है। लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो लगभग 60 मील गहरी होती है। एस्थेनोस्फीयर को बनाने वाला मटेरियल प्लास्टिक नुमा होता है। इसकी वजह से सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। एस्थेनोस्फीयर वैसे तो एक सॉलिड है, लेकिन ये बहुत गर्म होती है और इसकी प्रॉपर्टीज एक विस्कस सिलिकॉन पॉलीमर जैसी होती हैं। अब जब आप इन पर्टिकुलर लेयर्स के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए वापस मेंटल पर आते हैं। हालांकि इसके नाम में उतना मजा नहीं है। मेंटल सुपरहीटेड रॉक से मिलकर बनी है। इसका टेम्परेचर सबसे ऊपर 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे करीब 7900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। ऊपर और नीचे के बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट्स उत्पन्न होते हैं, जो हीट को गर्म इनर मेंटल से ठंडी आउटर मेंटल तक ले जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। ओके, अब हम दूसरी मेन लेयर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, आउटर कोर। आउटर कोर 1400 मील गहरी एक लिक्विड लेयर है। ये मोस्टली आयरन से बनी है। यहाँ टेम्परेचर आउटर रीजन्स में 7900 डिग्री फ़ारेनहाइट से इनर कोर में 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वेरी करता है। आउटर कोर के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग होता। आउटर कोर में लिक्विड मेटल्स के मूवमेंट से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें कंपास का यूज करने में सक्षम बनाती है। और यहाँ हम पृथ्वी के सेंटर में हैं, इनर कोर। इनर कोर 780 मील गहरी एक सॉलिड लेयर है। ये सॉलिड आयरन और निकल की बनी होती है। इनर कोर का टेम्परेचर 13000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दूसरी लेयर्स के अत्यधिक प्रेशर के कारण सॉलिड स्टेट में रहती हैं। हम अपनी आँखों का यूज करके तो पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे सेंसेस का यूज कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर की बनावट का अध्ययन करने के लिए हम सीस्मिक वेव्स यूज करते हैं, जो भूकंप या बड़े पैमाने पर मानव निर्मित विस्फोटों के कारण उत्पन्न एनर्जी वेव्स होती हैं। सीस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के इंटीरियर की बनावट बताती है। सीस्मिक वेव्स रॉक की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुअली बेंड होती हैं और अपनी स्पीड बदलती हैं। पृथ्वी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा बहुत गहराई से सतह पर लाए गए रॉक मटेरियल के एनालिसिस पर आधारित है। ये सैंपल्स इंटीरियर रीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में कई हिंट दे सकते हैं।